HON 97 व्रत क्या होता है, हमें व्रत क्यों करना चाहिए, अगर हम व्रत नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। बहुत सुंदर तीन प्रश्न हैं ये। व्रत क्या होता है? व्रत होता है जिसको हम वर्तते हैं, एक ऐसा नियम जिसका हम पालन करने का अपने मन में ही ठानते हैं। जैसे हम रोज चार माला करेंगे, ये एक व्रत है। हम रोज सूर्योदय से पहले उठेंगे, ये व्रत है। आज सोमवार को हम नमक नहीं खाएंगे, ये व्रत है। आज एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाएंगे, ये व्रत है। व्रत माने कोई भी ऐसा नियम जो आप अपने हृदय से स्वीकार करें और उसका पालन करें। हालांकि इसमें अनेक बार ऐसा भी होता है कि हम पिता के कहने से, गुरु के कहने से, भाई के कहने से भी या भेड़ चाल से भी, मिसेज वर्मा शुक्रवार का व्रत रखती हैं, हम क्या उनसे कोई कम है, हम भी शुक्र का रखते हैं, अरे वो तो शुक्र का रखती हैं, मंगल का भी रखते हैं। तो व्रत का अर्थ है कोई भी नियम अपने ऊपर लागू करना। हमें व्रत क्यों करना चाहिए, ये व्रत पर निर्भर करता है, उसके फल पर निर्भर करता है। जैसे शुक्रवार का व्रत रखने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, तो यदि आपको लक्ष्मी की वृद्धि करनी है तो व्रत करिए। और एकादशी का व्रत रखने से हमारा हरि भक्ति में वृद्धि होती है, हरि भक्ति बढ़ानी है तो एकादशी का व्रत करिए। फिर दूसरा क्या है कि कुछ संप्रदायों में एकादशी व्रत नहीं भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एकादशी व्रत नहीं रखते तो उन संप्रदायों में कोई भक्ति पैदा नहीं हुआ, नहीं, एकादशी ना रखते हुए भी अनेक भक्त वैष्णव पैदा हुए हैं, भक्त हैं। तो क्यों रखने का अर्थ ये है कि व्रत रखने का, हर व्रत का कोई ना कोई लाभ होता है, उस लाभ को आपको चाहिए तो व्रत रखिए। और कोई ये कहेगा अरे हमारे पास तो बहुत पैसा है, क्या करेंगे पैसे का, तो बिल्कुल मत रखिए शुक्रवार का व्रत, पैसा चाहिए तो रखिए, नहीं तो मत रखिए। ऐसे ही आपके पास यदि बहुत हरि भक्ति है, बहुत ज्यादा भगत बन गए हो आप, तो मत रखिए एकादशी का व्रत, क्या फर्क पड़ना है। तो क्यों करना चाहिए का जवाब ये है कि उस व्रत का जो भी फल है वो आपको मिलेगा। और हम व्रत नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, जो व्रत का फल है वो आपको नहीं मिलेगा। और कोई कोई व्रत में न करने से पाप का भी प्रावधान है। यदि हम गौड़ीय संप्रदाय में हैं और हम एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो हमारी हरि भक्ति की वृद्धि तो नहीं होगी, एकादशी के दिन अन्न खाने से हमें पाप भी लगेगा। व्रत भी कुछ नित्य होते हैं, कुछ नैमित्तिक होते हैं। नित्य का मतलब जो करने ही हैं, जिनका कोई कारण नहीं है। जैसे अपने माता पिता की सेवा करना, सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करना, माता पिता का अपमान न करना, ये व्रत किसी ने ले रखा है तो जिस दिन वो प्रणाम नहीं करेगा उस दिन उसको पाप लगेगा। तो नहीं करेंगे तो एक तो ये है कि पाप लगेगा, और दूसरा ये है कि यदि पाप नहीं लगा, ऐसा व्रत नैमित्तिक हुआ, वो किसी कारण से रखा गया, तो पुण्य नहीं मिलेगा। सीधा सीधा व्रत एक नियम होता है। व्रत में व्रत को मुख्य रूप से खाने से जोड़ा जाता है। आज मेरा व्रत है, मेरे को नमक नहीं खाना है, तो ये भी व्रत है। और आज सोमवार है, आज मेरे को वृंदावन की परिक्रमा लगानी है, ये भी व्रत है। आज बुधवार है,
आज हमारे घर कीर्तन होना, ये भी व्रत है। व्रत माने कोई भी अनुशासन, कोई भी नियम, वो व्रत कहलाया। क्यों करना चाहिए? उस व्रत का जो भी लाभ है, परिक्रमा लगाएंगे तो हमें भजन में वृद्धि होगी, वैष्णवों के दर्शन होंगे, ब्रज रज हमारे उड़ के मस्तक पर लगेगी, हमें ब्रज रानी की कृपा प्राप्त होगी, और वृंदावन में जितने मंदिर हैं उनमें विराजमान ठाकुरों की, ब्रजवासियों की एक परिक्रमा हो जाएगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। परिक्रमा करेंगे 3 घंटे में, उतनी देर माला हमारे हाथ में रहेगी, 3 घंटे नाम हो जाएगा, लाभ मिलेगा। नहीं करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, अपितु यदि न करने से कोई पाप का प्रावधान है तो पाप होगा। जय श्री राधे, जय निताई।